Hello dear students, today we have moved in a new videos and in this videos we will learn some new topic with new ideas and new concepts. Hi, hello everyone, my name is Eras and how are you? मेरा नाम एरास है और कैसे हैं आप सब? I hope कि आप अच्छे होंगे, जहां भी होंगे सही सलामत होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे, है ना? So now let us talk about the topic. Do you want to know what is the name of the topic? Actually, the name of the topic is The changes around us. Changes around us. I know. What are you thinking in your mind? आप अपने mind में सोच रहे हैं कि changes around us ये कैसा topic है और इसके जाने हैं क्यों इसके बारे में? But I am talking to be very honest. This topic is going to be amazing and awesome to your life. आपके जीवन के लिए topic कुछ अहमियत रखता है, कुछ अलग है जिसके बारे में हमको जानना चाहिए. मैं बोल रहा हूँ चेंजेस अराउंड अस, तो हमारा चारों ओर बदल जाएगा. क्या बदल जाएगा? एक जैसा नहीं रहेगा, इतना तो तय होता है जी. तो आओ चलो जानते हैं कि क्या क्या चीज़ है जो बदल सकता है. वैसे तो बदलने के लिए तो बहुत कुछ बदलता ही है और बदल भी गया होगा, है ना? बट मैं यहाँ पर क्या बातें करने वाला हूँ, आओ तो देखते हैं. सबसे पहले बताता हूँ कि चेंजेस अराउंड अस कोई पूछेगा तो क्या कहोगे. तो तुम मुझसे कहना कि when one or more properties किसका, तो ऑफ ए सब्सटेंस का, वो सब्सटेंस का हो सकता है या फिर किसका हो सकता है, और मटेरियल क्या हो जाए, तो बिकम डिफरेंट, बिकम डिफरेंट देन वी कैन, तब हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं जी, देन वी कैन से दैट इट हैज चेंज्ड. मैंने लिखा स्टूडेंट, ये कॉमा नहीं है बल्कि ये फुल स्टॉप है, समझ गया ना? मैंने बोला स्टूडेंट कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी वस्तु है, कोई भी मटेरियल है, उसका अगर एक प्रॉपर्टीज या फिर उससे ज़्यादा दो तीन चार प्रॉपर्टीज अगर बदल जाए, पहले जैसा नहीं रहा, तो हम लोग कहेंगे कि चेंजेस हैज टेकन प्लेस, यानी कि चेंज हुआ है उसमें, समझ गया ना? अब कोई लड़का सोच रहा होगा कि क्या है, क्या बदल जाएगा, तो आपको जानना पड़ेगा कि किसी भी मटेरियल का, किसी भी सब्सटेंस का क्या बदल सकता है उससे. तो चलो देखते हैं, जल्दी से देखेगा, बिकॉज आई हैव लेस टाइम, लिटिल टाइम. देखिए मैं लिख रहा हूं कि फ्लोइंग आर द थिंग्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट That can be changed. मैं क्या लिखा यहां पर, मैं लिखा हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ निम्नलिखित चीज है, निम्नलिखित उसका प्रॉपर्टीज है जो बदल सकता है, तो क्या होगा? तो let us see. तो सबसे पहले उसका स्टेट बदल जाएगा, ठीक है ना? स्टेट में क्या हो सकता है, तो सॉलिड लिक्विड, यानी कि या तो सॉलिड से लिक्विड हो जाए, लिक्विड से गैस हो जाए, या फिर लिक्विड से सॉलिड ही हो जाए, या फिर गैस, ठीक है? तो किसी भी स्टेट यानी कि अवस्था का ये सारा चीज है जो बदल सकता है. अब तो सॉलिड लिक्विड अच्छे से जानते हैं. क्या बोला? प्लाज्मा और BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. और मुस्कुराए भी, क्या लगता है? मुझे नहीं पता, मुझे भी पता है, बट फिर भी मैं वो नहीं बता रहा, मैं बस अभी कैजुअली बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है, समझ गया ना? एनी हाउ नाउ लिसन टू मी. दूसरा बता रहा हूँ कि पोजीशन बदल सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का. नहीं, मेरा पोजीशन यह है, फिर मैं उछल के यहाँ चला गया तो बदल गया ना, अच्छी बात है. थर्ड है, शेप बदल सकता है. शेप और साइज का तो क्या ही कहना, नहीं जी, साइज बदल सकता है, कलर बदल सकता है,
और क्या बोल सकता है, टेम्परेचर बदल सकता है, यस और नो? यस सर। तापमान, रूम टेम्परेचर तो यहाँ बदल सकता है, और क्या है कहना। और कंपोजिशन, यानी कि वो किस चीज़ से बना है वो बदल सकता है ना, कंपोजिशन बदल सकता है। और बताइए और क्या क्या चीज़ बदल सकता है, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, अब मुझे भी नहीं याद आ रहा। एक और चीज़ है, वो है उसका स्ट्रक्चर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इतना सारा चीज़ है जो बदल सकता है, समझ गया ना? ठीक है, एक बार देख लोगे ध्यान से। तो आई होप कि आपने सीखा होगा चेंजेस अराउंड अस क्या होता है। तो मैंने आपको सीखा, इन दिस वीडियोस वी हैव लर्न व्हाट इज चेंजेस अराउंड अस। तो हमारे चारों ओर जो वस्तुएं हैं वो एक जैसा नहीं रहने वाला, वो बदल जाएगा। इसीलिए घबराना नहीं कि क्यों बदल गया, क्यों वैसा हो गया, वो होगा ही होगा, इसलिए जाने दो। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो वो बदल गया तो क्या क्या चीज, उसका स्टेट बदल सकता है, अवस्था बदल गई, टेम्परेचर ही बदल गया, हमारे चारों ओर कुछ भी बदल सकता है ना, कलर ही बदल गया, नजारा ही, माहौल ही बदल, कुछ ही बदल जा, तो दैट इज द चेंजेस अराउंड अस। समझिए, अगर कोई मटेरियल की बातें कर रहे हो तो मटेरियल में इतना में से कोई भी एक में से दो तीन चार बदल जाता है किसी मटेरियल का, तो कहेंगे कि वही सब्सटेंस जो है वो पहले जैसा नहीं रहा, अब वो बदल गया है। हैव यू गॉट इट? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? तो बहुत सारे बातें करूंगा नेक्स्ट क्लास में कुछ नए अंदाज में, तब तक के लिए बस ऐसे ही। सी यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर।